प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। कांग्रेस के विधायकों की ओर से की गई लामबंदी को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये अनुशासनहीनता है। वहीं दूसरी ओर मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता नहीं बरती। शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने तीन शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। तो एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो 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 व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, कि प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कर